नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह और आज हम खड़े हैं दहीसरपुर अम्बावाड़ी के साधु भैया चाल में। यहां के कुछ लोगों का SRA स्कीम को लेकर विरोध है। हम जानते हैं उन्हीं लोगों से क्या है मामला। यहां पे आज मीटिंग बुलाई गई थी, बिल्डर आए थे, स्थानीय MLA आए थे और बड़े पुलिस अधिकारी भी यहां पे मौजूद थे। क्या मामला है, किस बात को लेकर आप लोगों का विरोध है और क्यों विरोध है? यहाँ पे 17 अप्रैल 2017 को हमको ये दिया गया है नोटिस, सरकारी नोटिस चिटका दिया गया है और सरकारी नोटिस के अंदर लिखा है कि आपका Annexure 2 का सर्वे है, अमालगेशन ऑफ प्रोजेक्ट है और परिशिष्ट दोन ये होने वाला है। ये तीन सर्वे जय भवानी और ये जय भवानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बिहाफ पे है जो फेज 2 के नाम से बनी हुई है और वो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। बिल्डर ने SRA को प्रपोजल दिया, SRA ने डिप्यूटी कलेक्टर को भेजा, डिप्यूटी कलेक्टर ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा हुआ है जबकि हम 100 परिवार हैं जिनको ये सर्वे मंजूर नहीं है, ज़बरदस्ती हमारे साथ की जा रही है। स्थानीय MLA का कहना है कि आपके साथ ये जो हो रहा है ये सरकारी काम में आप दखल मत दो, जबकि हमारे मूल सिद्धांतों का, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हमारा ये विरोध है। इस संबंध में आपने क्या जिला अधिकारी को पत्र लिखकर जो सर्वे हो रहा है उसका आपने स्थगित के लिए मांग किया है? हाँ, मैंने कर चुका हूँ। 20 अप्रैल 2017 को हमारा पहला पत्र गया था, उसके बाद 26 अप्रैल को गया था, उसके बाद 29 तारीख को एक हमारा पत्र है जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में दे चुके हैं, जिसमें दहीसर के सीनियर PI और आपके डिप्यूटी कलेक्टर दहीसर ईस्ट के जो बोरीवली 2 में बैठे रुस्तम जी कॉम्प्लेक्स में, उनको हमने दिया हुआ निवेदन है। बांद्रा के SRA बिल्डिंग के अंदर हमने निवेदन दिया हुआ है। उसके अलावा हमने एडिशनल कलेक्टर को भी ये निवेदन दिया हुआ है कि ये हमारे साथ जाती हो रही है, जबरी सर्वे हो रहा है, तो आप कृपया इसके अंदर ध्यान दीजिए और इसको तत्काल, हमारा जो अधिकार का हनन हो रहा है उसको से आप हमको मुक्त कीजिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अभी SRA की प्लिंथ नहीं हुई, कोई झोपड़े तोड़े नहीं गए हैं, उसके बावजूद भी बिल्डिंग यहाँ पे बन के खड़ी हो गई SRA की, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सत्य बात है, यहाँ पे एक भी झोपड़ा तोड़ा नहीं गया है और यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के तैयार है। पहली बात, 17 तारीख को जो हमको नोटिस मिला उसके बाद हमको मालूम गिरा कि यह जय भवानी सह गृह निर्माण नियोजित संस्था फेज 2 है, जय भवानी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 2 चल रहा है। दूसरी बात, हमने आज तक भी, ये हमारे लिए एकदम बिल्कुल नई सोसाइटी है, ना हमने इसमें कोई इलेक्शन दिया है, ना हम ये सोसाइटी का कौन मेंबर है जानते हैं, ये सोसाइटी हम पे ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, ये सोसाइटी इल्लीगल है, ये बिल्डर के द्वारा बनाई हुई सोसाइटी है और उसी के आदमी इसके अंदर नुमाइंदे लगे हुए हैं और इस सोसाइटी के साथ पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, सरकारी काम बता के हमारे साथ चीटिंग किया जा रहा है, 400 GBC फ्रॉड किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना है इस बारे में, अभी मीटिंग थी आप लोगों की, क्या कहना चाहते हैं? बस यही बात कहना चाहते हैं कि ये सब जबरदस्ती किया, पिछले 15 दिन से हम लोग बहुत परेशान हो चुके, पुलिस स्टेशन से लेके रास्ता बंद कर दिया है, पुलिस स्टेशन से धक्के, कोई जवाब नहीं दे रहा है बराबर से। तो अभी हम लोग एक ही विचार करें कि कुछ ऐसा सोचे कि हमारा 100 आदमी का भला हो सके और ये सब जबरदस्त कर रहे हैं बिल्डर्स के तरफ से, 100 जन है और बिल्डर हमको जबरदस्ती कर रहे हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। जब आप लोगों ने लिखित में कंप्लेन दिया है, नोटिस दिख रहा है सब जगह चिपकाया हुआ है, तो इस बात का क्या बिल्डर को आपने सूचना नहीं दी थी, बिल्डर को कोई नोटिस दिया था? बिना बोले सूचना सब लगी जाती, उनके इतने प्यादे यहाँ पे घूमते हैं, हमको बोलने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, जो उनको पहुँच ही जाता है, इसलिए इसमें हमको बिल्डर के साथ तो बात करना इंटरेस्ट नहीं है जरा भी हमको, फिर भी जबरदस्ती हमको खींचे ही जा रहे हैं। मीटिंग में भी प्रेशराइज बहुत हुआ का, तुम लोग झुक जाओ, मगर हमको गलत काम में जाना ही नहीं है और कुछ भी नहीं कहना चाहते हम। तो देखिए, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो पुरुष हैं, सोसाइटी के साथ लोगों का कहना, हम और कुछ लोग हैं, चाचा क्या कहना चाहेंगे आप, अभी मीटिंग हुई थी उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, ये बिल्डर के साथ हम लोग को काम ही नहीं करना है। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्डर के साथ में हम लोग को किसी को जाना नहीं है। क्या समस्याएं हैं? समस्या है कि आप विरोध कर रहे हैं, ये बिना कोई सूचना के, बिना कोई जानकारी के हमारे ऊपर NH2 सर्वे जबरदस्ती फोर्सफुली किया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में, क्या कहेंगे जो अभी मीटिंग हुई थी, किस बात को लेकर? हम लोग को बिल्डर मांगता ही नहीं है, पहली बात तो ये इसने सब फोड़ गिर किया है कि सब कुछ हम बदलेगा, वे देगा, गार्डन बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, कुछ अभी तक कुछ 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 किया, रिटर्न में कुछ किया ही नहीं, आया भी नहीं, मीटिंग भी 40 में भी एक बार भी आया नहीं वो, और बोलता हम 40 में आके मीटिंग करूँगा, कुछ किया नहीं उसने।
एक बार वो बैठे थे यहाँ पे, बोल रहे थे कि हमने सर्वे कराने के लिए भेजा है, फिर दोबारा वही बात बोल रहे हैं कि ये सरकारी सर्वे है, तो क्या समझा जाए? वो हमको पता ही नहीं ना, पता ही नहीं हम लोग को कहे भाई कभी सर्वे करने को भेजा है इसने, हम लोग को पता ही नहीं। बाबा जी, बिल्डर यहाँ पे पुरोहित जी बैठे थे, वो स्वयं बोल रहे थे कि हमने सर्वे के लिए, ये प्राइवेट सर्वे कराने के लिए आदेश लिया है, और फिर दूसरी बात वहीं पे कुछ स्थानीय प्रतिनिधि भी बैठे थे, उनका भी कहना है कि हाँ सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि सरकारी सर्वे है या प्राइवेट सर्वे है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सरासर प्राइवेट सर्वे है, जय भवारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सर्वे कराया जा रहा है, उसका एनेक्चर 2 पास करने के लिए और अमालगेशन ऑफ प्लॉट्स, बहुत सारे प्लॉट को जोड़ने वाला सर्वे है, इसमें पब्लिक की कोई भी भलाई नहीं है, पब्लिक से ये सब जबरी काम लिया जा रहा है। आप लोगों का यहाँ पे विरोध था कि सड़क जो यहाँ आने का रास्ता बंद किया गया, यहाँ पे पहले एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आखिर तक ये कोने तक आती थी, और यहाँ पे अभी उन्होंने रोड का एक्सेस ब्लॉक कर दिया है, ये बताते हुए कि ये सरकारी काम है, ये करना ही पड़ेगा, ये बिल्डिंग के लिए, आपके सेफ्टी के लिए, लेकिन ये जगह ब्लॉक करने के बाद हमारी सेफ्टी तो कैसे रहेगी? अगर कोई बीमार हो गया और उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, हमका हमारा क्या होगा? दूसरी बात, अगर यहाँ आग लग गई तो ये जान माल नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो यहाँ के स्थानीय एमएलए आए थे वो लेंगे, मनीषा ताई चौधरी के यहाँ का पुलिस प्रशासन लेगा, सावंत जी जो सीनियर पीआई आए थे, या हमारा और एक सवाल है कि ये बिल्डर लेगा जो ये काम करवा रहा है? इस सब बातों को लेकर क्या आपने लिखित कंप्लेन शासन प्रशासन को किया है? हाँ मैंने दिया है, मैं आपको इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमने लिखित में, ये बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं है, जबरदस्ती इल्लीगल सोसाइटी, गैर कानूनी काम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिस सोसाइटी को हमने बनाया नहीं, जिसको हमने चुना नहीं, जबरदस्ती हमको उसमें सरकारी काम का दिखा के, दोष दिखा के, कानून का दोष दिखा के हमसे ये काम करवाया जा रहा है प्रेशर करके। अभी भी हम लोग ने 100 लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि हमको ये बिल्डर पसंद नहीं है, ना हमको इसके साथ काम करना है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के रहवासी हैं? देना ही नहीं है, नहीं करना है हमें सर्वे, सर्वे करना ही नहीं है हमको, ये क्या कहना? नहीं सर्वे नहीं करने का हमको, नहीं सर्वे करने का, सर्वे नहीं करने का हम लोग को। यहाँ के ज़्यादातर लोगों का विरोध है इस सर्वे को लेकर, पब्लिक नाराज है, जो बिल्डर कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। तो आगे आप क्या इस प्रोसेस में आगे क्या करना चाहेंगे, क्या कदम उठाएंगे प्रशासन के? प्रशासन के लिए हम तो अर्जी लिख के डाल चुके हैं, अभी हमको मैडम बोल के गई आप जाके स्टे लेके आओ तब आपका काम होगा, हम एमएलए होने के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। हमने मैडम से 5 दिन की सहूलियत मांगी, उन्होंने हमको सहूलियत नहीं दी, बोले मैं कैसे सहूलियत दूँ, मैंने बोला आप जनप्रतिनिधि हो, आप रिक्वेस्ट करो डिप्टी कलेक्टर को 5 दिन के लिए ये काम स्थगित किया जाए, तब हम बांद्रा जाएंगे बड़े एसआरए ऑफिस में और वहाँ से हम ये ऑर्डर लेके आएंगे, लेकिन वो हमको हमारे ऊपर प्रेशर डाल के तुरंत काम करवाना चाहते हैं। अब इसमें तुरंत काम करवाने में पब्लिक का भला नहीं है, सिर्फ बिल्डर का भला है, तो हमारे स्थानीय एमएलए पब्लिक का भला नहीं देख रहे, ये इनका भला देख रहे हैं, बिल्डर का। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होगी हम सर्वे का विरोध करते रहेंगे, आगे हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे, प्रशासन तक जाएंगे। कैमरामैन बंटी सिंह के साथ जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।